बिग बॉस OTT 3 शुरू होने वाला है। शो की सबसे चर्चित सीजन की कंटेस्टेंट देवोलीना है, उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा। दरअसल आजकल के एंट्री के बारे में देवोलीना ने चर्चा की है। इस बार यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों के साथ शो में आ रहे हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया और दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल भी शो का हिस्सा बनेंगी। देवोलीना ने जो पोस्ट शेयर किया वो बिग बॉस के शो के सीजन में कंटेस्टेंट के सिलेक्शन को लेकर है, जिसे लोग वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित से जोड़कर देख रहे। दरअसल इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए देवोलीना ने लिखा, जो लोग मुझसे पूछते हैं बिग बॉस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कहाँ ऑडिशन देना पड़ता है, जवाब, वैसे हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। फिलहाल की कंडीशन को देखकर मैं कन्फर्म हूँ, रास्ते पर लगातार एक महीने चिल्लाइए, झगड़ा कीजिए, एक दो थप्पड़ जड़ देंगे तो पुलिस स्टेशन जाना होगा, आपकी पब्लिसिटी में 4 चांद लग जाएगा, उसके बाद खुद को वायरल कीजिएगा, बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं आजकल, ब्लॉगर्स बुला लीजिएगा, आपका वीडियो बनाने के लिए ड्रामा जरूरी है, ये सब करने के बाद आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी। देवोलीना का ये पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा। देवो सीजन 13 के साथ साथ 14 में भी नजर आई थी। पहली बार वो रश्मि देसाई के साथ अपनी दोस्ती के लिए मशहूर थी, दूसरी बार वो अपने झगड़ों को लेकर खबरों में रही। वो हर सीजन में आए कंटेस्टेंट और उनके गेम पर अपनी राय जरूर देती हैं। बताते कुछ महीने पहले से दिल्ली में वड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित अपने फूड कार्ट और झगड़ों को लेकर चर्चा में है। तमाम वीडियो इंटरनेट पर रोज वायरल होते हैं, रोज उनको लेकर चर्चा बनी रहती, जिनमें लोग कथित तौर पर उनके कार्ड को लेकर उन्हें परेशान कर रहे, कभी किसी से झगड़ा कर रही तो कभी रो रही है, कभी विनती करती हैं। इसी तरीके से उनकी अब बिग बॉस में एंट्री हो रही है, जिसको लेकर देवोलीना ने एक करारा वार किया है।